खबर है तो पहला स्टॉक रिजल्ट्स पे रखें पहले तो। हाँ, रिजल्ट थर्मैक्स कैपिटल गुड्स मेजर अच्छे नंबर्स आते हुए साल दर साल इबीटा 27% का जंप उसके सामने सॉरी रेवेन्यू 27% उछले उसके सामने इबीटा 42% इंप्रूवमेंट। तो हुआ क्या, मार्जिन एक्सपैंड हुए 90 basis points का बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन, मुनाफा ऑलमोस्ट 60% इंप्रूव हो रहा है। ये बढ़िया कैपिटल गुड स्पेस तो स्वीट स्पॉट पे है। थर्मैक्स के नंबर्स अच्छे लगे, नवीन फ्लोरीन के नंबर्स अच्छे लगे। नवीन फ्लोरीन में हाईलाइट है इसके मुनाफे में जंप, खैर वहां आता हूं। आय 48% बढ़ी उसके सामने इबीटा 58% बढ़ा, इसके मार्जिन 160 basis points इंप्रूव हुए और मुनाफा 55% का जंप, अच्छे नंबर्स। कुछ केमिकल्स के डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आ रहे थे उसको पर्सपेक्टिव में रखते हुए नवीन फ्लोरीन अच्छा लगेगा। जैसे कल हमने न्यूवोको विस्टास कहा था कि नंबर जैसे भी लगे कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं स्ट्रीट के अपने पीयर से, वैसे ही है आपके नवीन फ्लोरीन सामने। जीएसके फार्मा पिटा हुआ स्टॉक है, काफी पिटा हुआ स्टॉक है, नंबर्स डिसेंट है, आय फ्लैट है उसके सामने इबीटा 15-16% बढ़ा, मार्जिन में बढ़िया 400 basis points प्लस का उछाल 430 basis points। तो नंबर्स अच्छे हैं, ऑपरेशनली अच्छे हैं। अब बाजार तवज्जो क्या रेवेन्यू फ्लैट है उसको देता है या ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट को देता है, क्योंकि स्टॉक बहुत कुछ नेगेटिव प्राइसिंग कर रहा है ये देखना होगा, इसीलिए इसको ग्रीन रख रहा हूं पर हम वॉच आउट करेंगे। आरसीएफ को ग्रीन लेके चल रहा हूं, आरसीएफ में अब सब्सिडी वगैरह आ रही है तो एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी रेवेन्यू मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग है। दरअसल 69% का जंप, इबीटा 93% का जंप, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए और मुनाफा 71% बढ़ा है 71। तो ये चारों नंबर्स अच्छे नंबर्स के दम पर ग्रीन लेके चल रहा हूँ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।